अस्सलाम वालेकुम ऑल, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि थंबनेल से आज आपको पता चल गया होगा, अ विजिट एट एम्पोरियम मर्ज। तो आज मैं आपको एम्पोरियम मर्ज की सैर कराऊंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप सबको पता है, समर स्टार्ट हो चुका है तो हर ब्रांड पे नए वॉल्यूम्स आ चुके थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एम्पोरियम मॉल जाके एक ही जगह पे सब ब्रांड्स का एक दफ़ा देख लूँ कि कहाँ कौन सी चीज़ अच्छी आई है, ताकि मैं ख़रीद सकूँ। मॉल्स का यही फ़ायदा होता है कि एक ही जगह पे हमें काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, काफ़ी ब्रांड्स मिल जाते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से देख के पसंद करके ले लेते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले आइडियाज़ पर आई थी। काफ़ी कलरफुल इनकी कलेक्शन है। सबसे पहले मैं आपको अनस्टिच दिखाऊंगी। और एम्पोरियम मॉल में जो आइडियाज़ की आउटलेट है वो काफ़ी बड़ी है। जो चीज़ आपको किसी दूसरी आउटलेट पे नहीं मिल रही आइडियाज़ की, आप एम्पोरियम मॉल आएंगे तो यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, मोस्टली मिल जाती है यहाँ से। अनस्टिच में काफ़ी वैरायटी है इनके पास। ये इनकी न्यू कलेक्शन है। मुझे ये ग्रीन वाला बहुत अच्छा लगा था। स्पेशली ये ग्रीन मुझे अच्छा लगा, और इसमें दो कलर थे, एक ग्रे और ग्रीन, दोनों में ये अच्छा लग रहा था इनका डिज़ाइन। यहाँ मैं आइडियाज़ पे मैंने कुछ सोचा, मैं जूती भी ट्राई कर लूँ, देख लूँ। यहाँ 50% ऑफ चल रहा था इनकी जूतियों पे, तो एक मैंने यहाँ से बाय की। मैं दिखाती हूँ आपको कौन सी। ये वाली मैंने बाय की। एक्चुअल प्राइस जो थी इसकी 3200 थी, और 50% पर मुझे 1600 की ये मिली। काफ़ी अच्छी मिल गई थी मुझे, और बैग्स पे भी इनका 40% फ्लैट चल रहा था, काफ़ी रिजनेबल प्राइस। ऑफ के बाद तो वाकई काफ़ी रिजनेबल प्राइस हो जाती है, लेकिन बैग मैंने नहीं ख़रीदा क्योंकि मैंने एक शूज़ का पेयर ले लिया था यहाँ से।
आइडियाज़ से मैंने एक ही शूज़ का पेयर बाय किया और फिर मैं बाय आगे मैंने सोचा कि मैं कुछ और भी देख लूँ, शायद मुझे किसी और जगह से और अच्छी चीज़ मिल जाए। मैं दिन के टाइम आई थी, अर्ली मॉर्निंग आ गई थी, इसलिए आज एम्पोरियम मॉल में जो रश कम था। आइडियाज़ के बाद मैं सफ़ायर आई थी, इनका भी न्यू वॉल्यूम आया तो मैंने सोचा मैं इनका भी चेक कर लूँ, शायद कुछ चीज़ पसंद आ जाए। सबसे पहले अब मैं आपको अनस्टिच इनकी कलेक्शन दिखाऊंगी। काफ़ी कलरफुल और यूनिक डिज़ाइन है इनके। इस बार हर ब्रांड्स पे ग्रीन कलर जो है वो ज़्यादा है। क्योंकि आइडियाज़ पे भी मैंने दो तीन देखे थे ग्रीन कलर में, और यहाँ भी ग्रीन में काफ़ी हैं, काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी आपको ग्रीन कलर में। ग्रीन के सब शेड्स हैं तकरीबन। सफ़ायर पे अनस्टिच कलेक्शन तो अच्छी थी ही, लेकिन जो स्टिच कलेक्शन है वो तो बहुत ही खूबसूरत थी, एक से एक बढ़कर इनके डिज़ाइन है सफ़ायर पे। ये मरून वाला मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन अभी मैंने बाय नहीं किया, मैंने कहा आगे जाके और देख लेती हूँ, अगर कुछ और अच्छा लगा तो फिर वो ले लूँगी, नहीं तो वापस आके यही ले लूँगी।
फायर के बाद मैंने सोचा खाड़ी पे भी जाया जाए, वहाँ पे भी इनकी न्यू कलेक्शन देखी जाए। और जे डॉट पे जो है वो सेल लगी हुई थी काफ़ी अच्छी, और जैसे ही जे डॉट से बाहर निकलते तो बिल्कुल फ्रंट पे इनके ये एक छोटी सी शॉप है। बहुत प्यारे यहाँ एंटीक किस्म के आपको डेकोरेट पीस मिल जाएंगे, इनसे आप बहुत अच्छी डेकोरेट कर सकते हैं। जे डॉट से मैंने सेल से ही एक लोन का 3 पीस बाय किया था, जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, डिज़ाइनिंग वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी। उसके बाद मैं निशात पे आई थी, इस पे भी मैं आपको इनकी स्टिच और अनस्टिच कलेक्शन शो करती हूँ। इनकी भी काफ़ी कलरफुल और यूनिक डिज़ाइन थे। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।